अस्सलाम वालेकुम। ये हीरा गुप्त मामला जो है, ये कभी सॉल्व होएगा कि कभी सॉल्व नहीं होगा? नोएडा शेख अरेस्ट हुई, स्कीम जो है पोंजी साबित हो गई, कोई कंपनी इनकी दिखाई नहीं दी। ईओडब्ल्यू मुंबई ईओडब्ल्यू ने चार्जशीट में पोंजी साबित कर दिया, थाने ईओडब्ल्यू ने चार्जशीट में पोंजी साबित कर दिया। खैर, वो जाने दीजिए। अब जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको चाहिए अपना पैसा वापस, कैपिटल वापस चाहिए, कैपिटल अमाउंट। कुछ इन्वेस्टर्स ने एफआईआर कंप्लेन करके अपना पैसा हासिल करना सही समझा, किसी ने कंप्लेन नहीं किया। ये एंटी और प्रो, ये जो नाम है एंटी और प्रो, ये ग्रुप, ये डिवाइड किसने किया इन्वेस्टर्स को? एक मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स होता है, और अब ये मुस्लिम्स में ही एंटी और प्रो ये किसने बनाया? जब ये पता चलता है कि ये कहाँ से शुरुआत हुआ, जब तहकीक करते हैं तो पता चलता है कि ये जो एंटी और प्रो ये जो बना है, शुरुआत में तो सब, जब पॉलिसी वगैरह चेंज हुई थी तो सब इन्वेस्टर्स गए थे पैसा ही निकालने के लिए। सब लोग ने विड्रॉल फॉर्म सबमिट किया, सबको अपना पैसा ही चाहिए, चाहे वो एंटी हो या प्रो हो। हालांकि एंटी और प्रो है क्या, ये नाम किसने दिया एंटी और प्रो? जैसे मुस्लिम नॉन मुस्लिम होता है, वैसे ये एंटी प्रो मुस्लिम में किसने कर दिया ये डिवीजन? नोएडा शेख का जो कंपनी था उसका टैगलाइन था टुवर्ड्स एन इंटरेस्ट फ्री वर्ल्ड, हीरा इस्लामिक बिजनेस ग्रुप, है ना? तो ये ग्रुप मुसलमानों मुसलमानों को लड़ाने के लिए था या मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए था? दूसरा, जब तहकीक करते हैं तो मालूम पड़ता है कि एक शख्स जिसका नाम है मुतीउर रहमान, जो यूपी सिद्धार्थ नगर गोंडा बस्ती का रहने वाला है, इसके बाप का नाम है अजीजुर रहमान, एमई वगैरह थे, उनका कहना था कि चलो जान दो एक बार, जो भी हुआ जान दो एक बार, नोएडा शेख को मौका तो देके देखो कि वो बाहर आके पैसा देती है कि नहीं देती है। अगर नहीं देती है बाहर आने के बाद में भी, तो फिर सब कंप्लेन करेंगे। हालांकि जो एमी है वो खुद, एमी जितने थे नोएडा शेख के ग्रुप ए के, जो भी एमी थे, या तो ऑलमोस्ट सब अंडरग्राउंड है, एब्सकॉन्डिंग है, या तो सब इधर उधर ही फिर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली ग्रुप ए के एमी सब एब्सकॉन्डिंग है। जहां पे इन्वेस्टर्स को यूनाइट होना चाहिए एक कॉज के लिए, यहाँ पे इन्वेस्टर्स को डिवाइड किया जा रहा है, कॉज से हटाया जा रहा है। क्यों हटाया जा रहा है और ये कौन हटा रहा है? जब ये तहकीक करते तो मालूम पड़ता है ये जो शख्स है मुतीउर रहमान, जो बाकायदा आरएसएस से जुड़ा हुआ है, इस्लामिक बिजनेस ग्रुप हैविंग एन अलायंस विथ एंटी इस्लामिक ग्रुप। मुतीउर रहमान का जब पूरा हमने भी किया तो पता चला भाई ये गोंडा बस्ती सिद्धार्थ नगर का रहने वाला है, रहवासी है, इसका जो बाप है अजीजुर रहमान, ये जामिया सल्फिया में पढ़ाया करता था, वहां से भी निकाल दिया गया, रीजन अननोन है अभी तक। खैर, वो और तहकीक करेंगे तो वो भी मालूम पड़ जाएगा, और बहुत कुछ मालूम है इसके बारे में। जैसे कि ये आदमी जो है मुतीउर रहमान, कैरेक्टरलेस आदमी है, इसका कैरेक्टर बहुत खराब है। सिद्धार्थ नगर यूपी जहाँ पे ये रहता था, ये उसी मॉल स्टेशन के, और इसमें ही सिद्धार्थ नगर में मार खाया था ये दिल्ली में भाग के। 2005 में ये यूपी से भाग के दिल्ली आया था, फिर इसने दिल्ली सहाफत एक मंथली मैगजीन चालू किया था जो खास चलता नहीं था, बिलो पॉवर्टी लाइन आदमी था ये, और आगे चल के ऐसे लोग को ही ढूंढते आरएसएस वाले, आरएसएस से जुड़ा, आरएसएस का जो मुस्लिम विंग है उससे जुड़ा, ये पैसा देते गए, ये मुसलमानों में ही
एक एज एन स्पाई एज एन एजेंट काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, बाद में इसने अपने बाप को भी उसके अंदर ही इन्वॉल्व कर लिया। लोग जो बोलते हैं कि इसका बाप बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी है, इसका बाप कोई रिस्पेक्टेबल आदमी नहीं है, इसका बाप भी इसी की तरह है, एकदम जलील आदमी है। खैर, ये एंटी प्रो जो है इस आदमी ने चालू किया। आप इसके इसके चैनल पे अगर जाते हो तो आप खुद देख लोगे, जब भी नोएडा शेख को बाहर निकालने की बात होती है तब ये कुछ ना कुछ फैब्रिकेट करके इन्वेस्टर्स का ध्यान जो है ना ये अलग चीज में मतलब डाइवर्ट करता है, मतलब परेशान करता है इन्वेस्टर्स को, झगड़वाने की कोशिश करता है, फसाद कराने की कोशिश करता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं। में रखा जा रहा है, उनको सही बेहतर तरीके से उनको जो मिलना चाहिए, जिस तरह का ट्रीटमेंट उनको मिलना चाहिए उस तरह से नहीं मिल रहा है। आप लोग इसलिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके तमाम दुश्मनों को उनके शर और फसाद से आपा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा को महफूज रखे। अल्लाह ताला आप लोगों की दुआओं में शर्फ़ कबूलियत बख्शे और आप लोगों की दुआओं की बदौलत आपा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा बाहर आए। हम डॉक्टर नोहरा जेल में रह करके ही लोगों का पैसा दें, क्यों? इसलिए कि उसमें तमाम लोग जेन्युइन नहीं है, ओरिजिनल इन्वेस्टर नहीं है, उसमें फेक और डुप्लीकेट इन्वेस्टर हैं। कुछ इस बात के पक्के सबूत मुझे मिले हैं, लेकिन जो लोग जेन्युइन कंप्लेनर हैं वो शहबाज अहमद खान के ऑफिस में उनका डॉक्यूमेंट बना करके आज भी रखा हुआ है। अभी सिर्फ और सिर्फ इस तरह के जाली और डुप्लीकेट कंप्लेनरों के जरिए से काम चलाया जा रहा है। जब मामला शॉर्ट आउट होने लगेगा तो जो लोग बहकाए गए हैं जेन्युइन कंप्लेनर हैं उनके कंप्लेन एफआईआर के तौर पर लॉन्च करा दिया जाएगा। इस साजिश में एमआईएम का शहबाज अहमद खान लगा हुआ है, तो मैं आप लोगों को इस साजिश से आगाह कराना चाहता हूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की मालिका वो जेल में रहते हुए पैसे दे दें। ठीक है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की मालिका कभी नहीं बाहर आएंगी, उनका कहना है। कल्लू चाचा तेरी आपा कभी बाहर नहीं आएगी, कल्लू चाचा तेरी आपा कभी बाहर नहीं आएगी। कल्लू चाचा तेरी आपा कभी बाहर नहीं आएगी। कल्लू जो भी होगा, जो भी अल्लाह ताला करता है, जैसे भी करता है, हम लोगों के भले के लिए करता है, ऐसा हमारा यकीन होना चाहिए, ऐसा हमारा ईमान होना चाहिए। एक बार वक्त आया है तो देखिए अल्लाह ताला के मुखलिस बंदों ही के साथ आजमाइश का वक्त आता है, जैसा कि नबियों पर आया, अल्लाह के नेक बंदों पर मुश्किल वक्त आया और तमाम लोगों पर अल्लाह ताला मुश्किल वक्त भेज करके उनके ईमान व यकीन का जायजा लेता है और उसके बदले में उनको सवाब अता करता है। अल्लाह तबारक व ताला हम लोगों को भी हमारे सब्र की बदौलत इंशाल्लाह हमें उसका बेहतर बदला देगा, बेहतर जजा देगा, जो अल्लाह ताला ही को मालूम है। हम लोग इस लायक नहीं है कि उसकी अल्लाह ताला की मसलहत को हम समझ सकें। इंशाल्लाह वक्त आने के साथ साथ सारी चीजें आया हो जाएंगी। डॉक्टर नोहरा की डुप्लीकेट सिग्नेचर भी कर लेती है। ये जैसे मोती ने बोला अभी कि नोएडा की डुप्लीकेट साइन हो सकती है, तब याद आया कि ये जो लेटर जो जेल से आया था जिसमें नोएडा शेख की साइन की हुई थी बाकायदा 11/2/2019, नोएडा शेख को इंग्लिश नहीं आती है और ये जो लेटर है नोएडा शेख के नाम पर लिखा गया है और ये साइन नोएडा शेख की नहीं है, ये साइन मोती जैसे लोगों ने इसके ऊपर किया है और ये मोती खुद क्लेम कर रहा है कि नोएडा शेख की डुप्लीकेट साइन। तो ये आदमी जो है बहुत बड़ा मुनाफिक आदमी है, ये साइन भी कर लेगा, बहुत कुछ कर देगा। खैर आगे बढ़ते हैं।
कि आप लोग समझे समझ सकते हैं किस इंतजार में हो। अब मैं आपको एक बहुत अहम बात बताता हूं जो आप लोगों को काफी हैरानी होगी सुनकर के। इंशाल्लाह ताला उनके केस में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उनके साथ कोई भी उनकी दाल कहीं भी गलती हुई नजर नहीं आ रही है। जहां 20,000 25,000 और 50,000 कंप्लेन करने की साजिश थी कि कंप्लेन करके और कंपनी को पूरी तरह से डैमेज किया जाए और अपने पैसे निकाले जाएं, इस मिजाज का मैं आदमी हूं, इस मिजाज का आदमी कि उसको निचोड़ करके काम किया जाए। इस बात की हकीकत के साथ कि जब से हकीकतें मंजरे आम पर आने लगी हैं, खैर डिपार्टमेंट अपनी सफाई देगा और तुम लोग अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करो। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से भी बैठा करके सवालों जवाब होंगे, किसके अंदर खयानत थी, किसके अंदर बदकारी थी, वो सारा का सारा सामने आएगा। इन सब को दूध का दूध पानी का पानी कर दिया जाएगा। कोर्ट और कचहरी इस बात को सबूत के तौर पर मानेगी। पुलिस डिपार्टमेंट का वो देखता भी है, लेकिन ऊपर की चीजों को, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं लालच दिया गया है, उन लोगों ने भी गलत कार्य का सबूत दिया है। अच्छा, मैं बता देना चाहता हूं दूसरी हकीकत कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पीछे कोई अकेला कि आपा अंदर रहते हुए पैसे देंगी, लिहाजा कोई जांच पड़ताल नहीं होगी। और एक हकीकत ये भी बता रहा हूं कि आप मेरे नंबर 9911853902 पर व्हाट्सएप करें, इसलिए कि जब मामला हल्का होने लगेगा तब उसके बाद हम इसको लॉन्च कराएंगे। कल्लू चाचा तेरी आपा कभी बाहर नहीं आएगी, कल्लू चाचा तेरी आपा कभी बाहर नहीं आएगी। कल्लू चाचा तेरी आपा कभी बाहर नहीं आएगी।